दादी दो चीजें थी, एक हम नंबर हमारा कम था, वोट हमारे ज्यादा थे, परसेंटेज ज्यादा थी, हाँ परसेंटेज ज्यादा था, और बहुमत कांग्रेस का भी नहीं था, उस समय भी कोशिश की जा सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि ये नैतिक रूप से सही नहीं है, जिनको ज्यादा सीट मिली उनको सरकार बनाना चाहिए। दूसरी चीज ये थी कि उनको जो वोट भी मिले थे उनकी झूठी घोषणाओं के कारण मिले थे, कर्ज माफ कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, 900 वादे किए थे कांग्रेस ने, 900 वचन, और उनमें से कोई पूरा नहीं किया उनने उस समय। लेकिन मेरे मन में लगा कि भाई सीट ज्यादा है तो अब ये सरकार चलाएं, और इसलिए मेरे मन में तो बेचैनी थी कि अब मुझे नहीं रहना, मेरी सीट कम है, तो मैं तो मैंने रिजाइन करने के बाद कहा था कि नाउ आई एम फ्री, और वो मस्ती से अपना देख के निकल आया था। ये बात सच है कि लोग आ रहे थे, उस समय भी मैनेज किए जा सकते थे, कोशिश की जा सकती थी, लेकिन लगा के ये नहीं करना चाहिए, उसलिए छोड़ के निकल गए। आपने मोदी जी और अमित शाह से बात की कि मैनेज नहीं, ऐसा है कि ये विशुद्ध रूप से चूंकि हमारी सीट कम थी तो हमारा फैसला था, और फैसला पार्टी के साथ मिलकर ही किया था कि ठीक है सीट कम है तो नहीं बनानी चाहिए। और 15 महीने में फिर क्या हुआ जब ज्योतिरादित्य सिंधिया? हमने थोड़ी कुछ किया, कमलनाथ जी के राज में हाहाकार मच गया, बल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया, बल्लभ भवन मीन्स मेरा सेक्रेटरिएट, चारों तरफ लूट का आलम था। अब उस समय जो छापे पड़े तो आपको ध्यान में 280 करोड़ रुपए अगल बगल के लोगों से ही निकले, हालत ये हो गई थी कि बिना लिए दिए कुछ होता ही नहीं था, हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं बच्चों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपये देता था, जो अच्छे नंबर लाते थे 12th में, लैपटॉप देना बंद कर दिया। गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 हम देते थे ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर सके और अच्छा खाए पिए, हाँ, पोषण के लिए, पोषण के लिए, वो भी कमलनाथ जी ने बंद कर दिए। हम बेटियों की शादी करते थे, मास मैरिजेज होती थी सरकार की तरफ से, इन्हें शादी तो हो गई पैसे ही नहीं दिए। हम तीर्थ दर्शन करवाते थे तो तीर्थ यात्रा इन्हें बंद कर दी। केवल इतना नहीं किया इन्हें, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भेजे, वो मकान ही स्टेट का शेयर नहीं दिया, वापस कर दिए। जल जीवन मिशन 2019 में पीएम साहब ने प्रारंभ किया, वो जल जीवन मिशन इन्हें शुरू ही नहीं किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सूची नहीं भेजी, भाई प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया किसानों को दे रहे हैं, आपका क्या बिगड़ता था, लेकिन वो सूची तक नहीं भेजी गई। इनने बेगा भारिया सहरिया बहनों को हम 1,000 रुपया देते थे आहार अनुदान, ट्राइबल्स, हाँ ट्राइबल्स जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति थी जी। उनका 1,000 रुपया बंद कर दिया, विकास के सारे काम ठप कर दिए, चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम था। और जब ऐसी चीजों पर टोका श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने तो ये उनसे ही अकड़ गए कि सड़क पे आ जाओ निपट लेंगे देख लेंगे। तो हम तो ये देख के व्यथित हो रहे थे कि बड़ी मुश्किल से हम प्रदेश की गाड़ी को विकास की पटरी पर लेके आ पाए और ये सत्यानाश किए दे रहे हैं पूरा। लेकिन आपने अपने लोगों को भी हर्ट किया, और जब सिंधिया जी ने कहा कि वचन निभाओ वादे पूरा करो तो कमलनाथ जी ने उनको ही आके दिखा दी कि तुम आ जाओ सड़क पे, तो सिंधिया जी अपने साथियों को लेके आ गए। अब फिर हम क्या करते, एक तरफ इतनी निकम्मी और नाकारा भ्रष्ट सरकार, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी टूट के खुद यह फैसला कर रही है कि हमको इस सरकार में नहीं रहना, तब प्रदेश के हित में हमने सरकार बनाई। आपने अपनी टीम को मनाया कैसे, क्योंकि बीजेपी उस 2018 के चुनाव में तो नारा ये था कि माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, अब फिर सिंधिया जी लेके आते हैं 22 लोग कांग्रेस पार्टी की मानसिकता वाले लोग, वो आते हैं आपकी सरकार में कैबिनेट में आ जाते हैं, आप अपने लोगों को कैसे मनाते कि भाई आप 20-25 साल से काम कर रहे हो पीछे हटो ये लोग आ गए हैं इनको देना पड़ेगा मंत्री पद? भारतीय जनता पार्टी अद्भुत है और हमारा कार्यकर्ता अद्वितीय है, वो केवल अपने लिए काम नहीं करता, हम काम करते हैं अपने देश के लिए, समाज के लिए, उस विचार के लिए जिसको हम एकात्म मानव दर्शन कहते हैं, और उस विचार को पूरा करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए, देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा कार्यकर्ता हर परिस्थिति में तैयार रहता है। जब लगा कार्यकर्ताओं को कि नहीं ठीक है सरकार
बन रही है तो बनना चाहिए, तो लोगों ने उनको गले लगाया और आज मिलके हम समरस हो गए, जैसे दूध में शक्कर मिलके एक हो जाती है, हम लोग एक हो गए, एक परिवार के सदस्य हैं, एक राह के राही है, लक्ष्य हमारा एक है, तो मिलके हम सब एक हो गए, सम्मान्य सबने मिलकर तय किया। उनके आने से, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से और उनके 22 लोगों के आने से क्या बीजेपी को नुकसान हुआ है कि फायदा? सरकार में तो आ गए, देखिए नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं है, फायदा हुआ है। देखिए वो समय मुझे याद आ रहा है जब मैं मुख्यमंत्री की मैंने शपथ ली थी, कोविड का भयानक दौर था और उस समय अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि कोविड से निपटने की कोई तैयारी नहीं की गई थी उस समय। कमलनाथ जी तो आईफा जैसे आयोजनों में उलझे हुए थे, तो मैं तो ये मानता हूं कि शायद ये प्रदेश की जनता का सौभाग्य था या भगवान की कोई मर्जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बन गई और हम लोग मिलकर परिस्थिति से निपटे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।